अब खबर भरतपुर से। भरतपुर में आज कृषि बजट को लेकर यूआईटी ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किसान उत्पादक संगठन सहित कृषि विभाग के अधिकारी और जिला परिषद सीईओ और जिला कलेक्टर मौजूद रहे। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने सभी किसान उत्पादक संगठनों के लोगों से कृषि बजट को लेकर चर्चा की और उन्हें बताया कि कृषि बजट में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए क्या पहल की गई है और उसे किस तरीके से किसानों तक पहुंचाया जा सकता है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादक संगठनों से जोड़ा जा सकता है, जिससे किसानों का आय बढ़ते हाल में ही दिखे। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि बजट में 145 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल किया गया है, जिसमें लगातार किसानों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। आमुखीकरण कार्यशाला में किसान उत्पादक संगठनों के लोग और कृषि विभाग के सभी सुपरवाइजर सहित इसी के साथ समिति अन्य सदस्य मौजूद हैं, जिन्हें विस्तार से किसान उत्पादक संगठन के बारे में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने जानकारी दी और सभी को ज्यादा से ज्यादा किसानों को इन संगठनों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो ये योजनाओं का जानकारी हो किसानों को, दूसरा उसका इम्प्लीमेंटेशन होता हो, जल्दी हो अधिकारी को। लेकिन इसके साथ साथ हम जिले में ये प्रयास भी कर रहे हैं, कृषि विभाग पूरा लगा हुआ है इसमें, कि किस तरह से फार्मर जो है उनको संगठित किया जाए एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में और संख्या उसकी बढ़ाई जाए ताकि किसानों की इनकम बढ़े। और इसके लिए राज्य सरकार ने जो बजट घोषणा पिछली बजट घोषणा में 145 एफपीओ का को सुदृढ़ीकरण करने के लिए बजट दिया था, उसका भी उपयोग कर पाएँ। भरतपुर में कृषि होती है, एग्रो प्रोसेसिंग में उपयोग कर पाएँ और इनकी आय में वृद्धि हो, तो इसलिए भी हमने अपने आज की कार्यशाला का उपयोग किया और किसानों को ये बताया कि हम अकेले खेती करते हैं और हम मिलके 1000 लोग करते हैं, तो जो उत्पादन होता है उसकी किसान बेहतर किस तरह से कीमत निकाल सकता है और संगठनिक रूप से होने के कारण ना केवल लोन ले सकता है बल्कि वो अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकता है। हमने कईयों को पिछले 3 महीने में जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें 5 FPO जो हैं वो बने हैं, उनमें करीब 2500 नए मेम्बर जुड़े हैं, 45 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है। 5 FPO को मंडी लाइसेंस दिलवाया है, इनपुट लाइसेंस 5 FPO को दिलवाया है, 2 FPO को भारत सरकार से अभी आवेदन कर रखा है, 4 FPO को जो है ग्रांट मिल गई है मिनिमम जो 15 लाख तक होती है। तो इस तरह से हमारा प्रयास ये है कि अब हम FPO के माध्यम से जो है वो कृषि के कार्यों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि किसानों की आय जो है उसमें वृद्धि हो सके।